सत श्री अकाल पंजाबी खबरां देख रहे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरां का सिलसिला शुरू करने तो पहला नजर मारते हैं सुर्खियां दे। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल शिखर सम्मेलन च दुनिया नूं वातावरण बचाउण दा देणगे सुनेहा। बेअदबिया की जांच कर रही एसआईटी ते वड्डी खबर एसआईटी लई गुरप्रीत सिंह भुल्लर दे नाम दी सिफारिश जलंधर दे पुलिस कमिश्नर ने गुरप्रीत सिंह भुल्लर। कोरोना ते मुख्यमंत्री कैप्टन दी बैठक अज दोपहर 3:30 बजे होवेगी। कोविड रिव्यू मीटिंग कोरोना दे हालात बारे समीक्षा करनगे कैप्टन। विधायक पिंकी ते स्मगलर राजा दे संबंधां दी जांच करे कैप्टन सरकार, कहा चरणजीत बराड ने। अते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया नूं वातावरण बचाउण दा संदेश देणगे। मोदी इह संदेश उस वर्चुअल सम्मेलन दे पहले दिन अपने संबोधन विच देणगे जिस दी मेज़बानी जलवायु संकट ते चर्चा लई अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन कर रहे ने। शुक्रवार नूं खत्म होण वाले 2 दिना कॉन्फ्रेंस विच बाइडन ने विश्व दे 4 ही चोटी दे नेतावां नूं सद्दा दित्ता है। विश्व देश मंत्रालय दे अनुसार कॉन्फ्रेंस विच ग्लोबल नेता इस ते विचार वटांदरा करनगे कि कौमी स्थितियां ते टिकाऊ विकास दीआं तरजीहां दा सन्मान करदिआं किवें दुनिया समावेशी ते लचीले आर्थिक विकास दे नाल जलवायु दे मुद्दियां नाल जुड़े कदम चुक सकदे ने। बेअदबी मामलों की जांच कर रही एसआईटी टीम लई गुरप्रीत सिंह भुल्लर दे नाम की सिफारिश की गल सामने आ रही है। दस दईए कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर जलंधर के पुलिस कमिश्नर के अहुदे ते अपनियां सेवावां दे रहे ने जदों कि हुण तक रणबीर सिंह खट्टड़ा एसआईटी की अगवाई कर रहे सन। कोरोना काल नूं लै के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोविड रिव्यू मीटिंग करन जा रहे ने। दोपहर 3:30 बजे दे करीब होण वाली इस मीटिंग दौरान कोरोना दे हालातां बारे समीक्षा कीती जाएगी, नाल ही नवीआं पाबंदियां लगाउण बारे विचार कीता जाएगा। दस दईए कि बीते दिनी पंजाब विच कोरोना दे करीब 5,000 केस सामने आए सन, जिस नूं ध्यान च रख के ही मीटिंग कीती जा रही है। श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे ते पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे सियासी सकत्तर चरणजीत सिंह बराड़ ने प्रेस बयान जारी करदे होए पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते डीजीपी तो मांग कीती है कि फिरोजपुर पुलिस वल्लों 6 किलो हैरोइन दे नाल फड़े गए समगलर ते कांग्रेसी नेता राज कुमार उर्फ राजा ते फिरोजपुर दे MLA परमिंदर सिंह पिंकी दे संबंधां दी जांच करवाई जावे। उन्हां कहा कि फड़े गए समगलर राजा दी MLA पिंकी ते उसदे परिवार दे नाल नेड़ी सांझ है ते उसदी ते उसदे परिवार दीआं सामने आईआं तस्वीरां तो इह साफ पता लगदा है कि MLA ते समगलर राजा इक परिवार वांग कट्ठे रहिंदे ने। चरणजीत सिंह बराड ने कहा कि नशा वेचण वाले समगलर दे नाल भावें किसे भी सियासी पार्टी दे नेता दे संबंध होण, उसकी जांच होनी बेहद जरूरी है ते अजिहे समगलर अते उन्हां दे सियासी आंकिआं नूं भी किसे भी हालत विच बख्शिया नहीं जाना चाहीदा। कोरोना दे इस रूप ने पूरे देश नूं हिला दिता है। कोई ही अजिहा घर है जिथे कोई इस महामारी नाल संघर्ष ना कर रहा होवे। मरीज इन्ने ज्यादा हो गए ने कि ICU बैड दवाइयां रेमडिसिविर टीका आक्सीजन ते वेंटीलेटर इन्हां 5 चीज़ां लई लोग गुहार लगाउंदे नजर आ रहे ने। पर यह जानना बेहद जरूरी है कि इन्हां दी असल च लोड़ कदों ते क्यों पैंदी है। कोरोना दे ज्यादातर मरीज जां हल्के लक्षण वाले हुंदे ने जां होम आइसोलेशन च ठीक हो जांदे ने। कोविड माहिर गंगाराम हस्पताल दे डॉक्टर अतुल गोगिया ने कहा कि कोरोना दे पहले हफ्ते
हफ्ते के अंत दूजे हफ्ते की शुरुआत ज्यादा खतरा रहा है। एम्स के कोविड माहर डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा कि पहले हफ्ते हस्पताल च दाखिल नहीं होना चाहिए क्योंकि 80 से 85% तक मरीज पहले हफ्ते ठीक हो जाते हैं। जेकर गल की जाए बीमारी के शुरुआती लक्षणों वाल तो 5 दिन तक जेकर किसी का बुखार घट ना हो उसलिए यह अलर्ट है, हस्पताल च दाखिल होना चाहिए। इन्हीं दिनी हस्पतालों में ऑक्सीजन की घाट भी काफ़ी ज़्यादा वेखन को मिल रही है। कोविड की पुष्टि तो बाद जेकर लक्षण हल्के होण तां होम आइसोलेशन च ही रहो। एम्स के कोविड माहिर डॉक्टरों का कहना है कि रेमडेसिविर रामबन दवाई नहीं है। दिल्ली विच कोरोना नाल मरण वालियां दी गिनती लगातार बढ़ रही है। हुण दिल्ली कांग्रेस दे सीनियर नेता ते साबका मंत्री अशोक कुमार वालिया भी कोरोना दी चपेट विच आ गए ने। 72 साल दी उम्र विच एके वालिया दा दिल्ली दे अपोलो हस्पताल विच देर रात देहांत हो गया। वह पिछले 3 दिनों तो कोरोना खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सन। पंजाब सरकार दे प्रशासकीय सुधार ते लोक शिकायतां मामले विभाग ते ई गवर्नेंस सोसाइटी वालों जनतक हितां दे मद्देनज़र एक अहम फैसला लैंदियां लोकां नूं फर्द देण दा काम भी सेवा केंद्रां च कीते जाण दे हुकम जारी कीते गए ने। माल ते मुड़व सेवा ते आफत प्रबंधन विभाग वालों जमीनां दीआं फर्दां जारी करन दा काम ई सेवा पोर्टल पंजाब नाल जोड़दीआं फर्दां भी हुण सेवा केंद्रां चों प्रदान कीते जाण दा फैसला लिया गया। उन्हां दस्सिआ कि फर्द दे हर पन्ने दे 20 रुपए देने पैणगे। कमिश्नर पटियाला ने लोगों को अपनी फर्द सेवा केंद्रों से जारी कराने की अपील भी की। कोरोना महामारी के चलदियां व्यापार मंडल श्री आनंदपुर साहिब अते स्थानक पुलिस वालों शहर विच मास्क वंड के लोगों को जागरूक किया गया। व्यापार मंडल के प्रधान इंद्रजीत सिंह अरोड़ा ते थाना मुखी हरकिरत सिंह वालों साझे तौर पर दुकानदारों नूं मास्क वंडे गए। इस मौके थाना मुखी हरकिरत सिंह ने दस्सिया कि डिप्टी कमिश्नर रूपनगर दीआं हदायतां दी उलंघना करन वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूजे पासे व्यापार मंडल के प्रधान इंद्रजीत सिंह अरोड़ा ने इस मौके जिथे समूह दुकानदारों नूं मास्क वंडे उथे ए अपील भी कीते कि अपनियां दुकानां ते मास्क पा के ही बैठिया जावे। कोरोना महामारी के मरीजों के बढ़ रहे अंकड़ियां नूं वेखदे हुए पंजाब सरकार वालों शाम 8 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक करफ्यू दीआं हदायतां दी इन बिन पालना करन लई मुख अफसर अमरीक सिंह ने दस्सिया कि जोगा पुलिस ने मुनियादी करवा के दुकानदारां नूं जागरूक किया कि शाम 8 बजे तो सवेरे 5 बजे तक करफ्यू समय सारिया दुकाना बंद कीतियां जाण ते पंजाब सरकार दीआं हदायतां दी पालना की जाए। कोई भी बाहर बिना काम तो ना घूमे। जगराओं के नेड़ले पिंड शेरपुर कलां विखे उस समय मातम का माहौल बन गया जदों एक 33 साल की औरत करोना दे नाल अपनी जिंदगी हार गई। महिला निंद्रपाल कौर अपने पिछे 2 छोटे बच्चों छड़ गई है। वह काफ़ी समय तो बीमार चल रही थी। मृतका के परिवारक मैंबर के दसन अनुसार कुछ दिन पहला ही उन्होंने घर के मैंबर के कहण मुताबिक उसू लुधियाणा के हस्पताल दाखिल करवाया गया। हालत में कोई भी सुधार ना होने कारण उसू हस्पताल के प्रबंधकों वालों फरीदकोट के सरकारी हस्पताल विखे भेज दिता गया। उथे जांच दे दौरान महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस तों बाद पिंड दे शमशान घाट विखे सिविल हस्पताल दी टीम ने पूरे इंतजाम दे नाल उसका अंतिम संस्कार कर दिता। कोरोना दे पंजाब भर विच वध रहे मामलों के चलदे पंजाब सरकार वालों दित्तियां गईयां नवीं हदायतों तो बाद उन्हां आदेशों नूं लागू करन लई 2 दिन तो लगातार लोगों नूं आदेशों की पालना करन दी अपील की जा रही थी, जिसके चलदियां पुलिस जिला बटाला के SSP रशपाल सिंह वालों देर शाम तो पूरे शहर च सख्ती की गई। जिन्हां रात का करफ्यू नूं सख्ती नाल लागू करवाउण ते होरनां हदायतों की पालना ना करन वाले लोगों दे अते दुकानदारां दे चलान कटे।
इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्नवाद।